पिछले एक और दो की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी, उसमें दो लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी, क्योंकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे, तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है, तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना, विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं, निश्चित लगातार गश्ती होती रहती है, और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया, और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया, विदेशी महिला से भी बात किया, उन लोग ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है, और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है, और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है, इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ DIG सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है, और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से FSL के टीम और CID के टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं, और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे, और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। मुख्य पद से काफ़ी दूरी था सर कुंजी गाँव, तो वहाँ पे क्या कैंप लगाया गया था रात में? ठीक है, मुख्य सड़क से कुंजी गाँव 2 किलोमीटर अंदर है, वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में वो लोग गए थे, लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया, और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया, और इसमें उद्भेदन हुआ है, और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार की गई। महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है, और सत्यापन कर रहे हैं, उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है, जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। उस बाद अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है, और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे।